जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। पहेली नहीं है बल्कि ये गणित का प्रश्न है। पढ़ने में लगता है कि पहेली है, रीजनिंग है, लेकिन गणित का प्रश्न है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो हमने लगाया है क्या उसी तरह आपने भी लगाया था, क्या आपका उत्तर सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न है, चार मुर्गी चार दिन में चार अंडे देती हैं तो दो मुर्गी दो दिन में कितने अंडे देंगी। बहुत सरल प्रश्न है। करना क्या है आपको, एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि संख्या, मतलब कोई जानवर है या कोई आदमी है, कोई महिला है, वो कितने लोग हैं उनकी संख्या लिखिए और उसके बाद समय लिखिए और नीचे लिखिए काम। ठीक इसी तरह से आगे भी यही, संख्या लिखिए, समय लिखिए और नीचे क्या लिखिए, काम। नंबर इनटू टाइम अपान वर्क, वही दाहिने साइड भी। अब देखिए, बाएं साइड प्रश्न का जो पहला पार्ट है और दूसरे लाइन में यानी कि दूसरे तरफ जो प्रश्न पूछा है, तो आपको लिखना है संख्या, कितनी संख्या है मुर्गियों की, चार संख्या है। कितने दिन में, चार दिन में। कितना काम करती हैं, चार काम करती हैं। यहाँ चार अंडे देने का मतलब हुआ कि चार काम करना, ठीक, अंडे देना एक काम है। तो चार मुर्गी चार दिन में चार अंडे देती हैं तो दो मुर्गी दो दिन में कितने अंडे देंगी। तो यहाँ पर कितनी मुर्गी हैं, दो मुर्गी। समय कितना है, दो दिन। कितना अंडा देंगी पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे काम के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लिखिए या फिर एक्स लिख सकते हैं, वाई, जो आपकी मर्जी। अब इस चार से इस चार को कैंसिल कर दो और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इस चार से आप इन दोनों दो को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दो दूना चार। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप चार गुणित चार बटे चार लिखा है, यहाँ दो गुणित दो बटे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, तो चार चौक सोलह बटे चार, दो दूनी चार बटे प्रश्नवाचक चिन्ह। तिर्यक गुणा कर दीजिए, प्रश्नवाचक का सोलह में गुणा करिए तो सोलह गुणित प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर यहाँ चार चौक सोलह, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर सोलह बटे सोलह बराबर एक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आया, एक, यानी उत्तर आपका क्या हो गया, एक अंडा। प्रश्न था, चार मुर्गी चार दिन में चार अंडे देती हैं तो दो मुर्गी दो दिन में कितने अंडे देंगी, तो सिर्फ एक अंडे देंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस प्रश्न को किया था। आज छोटा सा ही वीडियो था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।